सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद देश को ऐसा दूसरा गृह मंत्री मिल चुका है जिसे दुनिया राजनीति के चाणक्य के रूप में ज्यादा जानती है। अड़िग, दबंग और साहसिक निर्णय लेने के साथ राष्ट्रवाद की गहरी छाप इस गृह मंत्री की पहचान है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी को देश के गृह मंत्री की बागडोर सौंपी है। यानी अमित शाह अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के सपने को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, साथ ही गृह मंत्रालय के उन सबसे गंभीर मुद्दों का समाधान भी करेंगे जिनमें जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 और 35 सबसे ऊपर है। एनआरसी जैसे मुद्दों का कोई हल कर सकता है तो वह देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सोच समझकर अमित शाह को गृह मंत्रालय का प्रभार दिया है। इस फैसले से पीएम मोदी ने एक संदेश देने की कोशिश भी की है। संदेश है कश्मीर से लेकर एनआरसी जैसे मुद्दों पर सख्ती की। अमित शाह बेहतरीन टास्क मास्टर माने जाते हैं और उनके मंत्रालय से उन मसलों की फाइलें गुजरेगी जिनका देश की राजनीति में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह कश्मीर मुद्दे पर दो टूक राय रख चुके हैं कि वे 370 और 35 पर तुरंत फैसला लेंगे। वैसे आम चुनाव से पहले चर्चा थी कि सरकार 35 को हटाने के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकती है। सरकार के कामकाज संभालते ही इस दिशा में काम शुरू होने वाला है। अमित शाह पिच पर उतरते ही छक्कों की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी जैसे मुद्दे भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। ये मुद्दे बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे भी रहे हैं। दोनों ही मुद्दे अभी दो राय पर हैं। इन्हें लागू करने के अपने सियासी असर होंगे। अमित शाह बतौर बीजेपी अध्यक्ष इन मुद्दों पर मुखर रहे हैं। इन मुद्दों की बदौलत असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झोली भरकर वोट भी मिले हैं। यानी देश के उन वोट बैंक वाले दलों की जमीन उखड़ने वाली है जिन्होंने हिंदू को भगवा आतंकवाद बताकर बांग्लादेशी कचरे से अगरबत्ती बनाकर उसकी सुगंध ली थी। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। अमित शाह के गृह मंत्री बनने से भारत के दो मुहे दलों के पैरों तले से जमीन खिसकी ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हड़कंप मचना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों से लेकर मुफ्तीवादी तक के पेट बजने अभी से शुरू हो चुके हैं। आतंकवादियों की हालत तो और भी खराब है। कुशल रणनीतिज्ञ और सख्ती से योजना को लागू करने में महारत रखने वाला यह गृह मंत्री बहुतों को डंडा चढ़ाने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी एक भी नेता की हिम्मत अमित शाह के गृह मंत्री बनने को लेकर बोलने की नहीं हुई है। यह नेता जानते हैं कि पीएम मोदी ने अमित शाह को यह प्रभार क्यों दिया है, मतलब देश के लिए भला होने वाला है और पाकिस्तान प्रस्तों तथा वोट के दलालों की पुंगी बजने वाली है। असम और पश्चिम बंगाल में वोट की दुकान बन चुके बांग्लादेशी को उठाकर सीमा पार पटकने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कश्मीर में बहुत बड़े और बेहद सख्त कदम उठाने के इशारे अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान अमित शाह के गृह मंत्री बन जाने से हल्का है। बांग्लादेश अभी से भारत में गए अपने नागरिकों को लेने या ना लेने पर मंथन कर रहा है। यानी इस वक्त पीएम मोदी के बाद अगर किसी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है तो वह भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। पर अमित शाह के पास तमाम संवेदनशील मुद्दों पर काम करने के लिए अधिक वक्त नहीं है। कुछ मसले तो अंतिम चरण में है। मिसाल के तौर पर राम मंदिर में भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में हो लेकिन इससे जुड़े कई मसले को हल करने की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की है। यह मुद्दा बीजेपी के लिए करो या मरो वाली स्टेज पर पहुंच चुका है जहां उसे निर्णायक पहुंचाने का भार अब अमित शाह के कंधों पर आ गया है। वैसे संघ ने भी मोदी सरकार को सत्ता संभालते ही संकेत दे दिया है कि अब इसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि यदि अमित शाह अपने दमखम पर अपनी पार्टी के स्टैंड के हिसाब से विवादित मुद्दों पर रास्ता निकलवाने में सफल हो जाते हैं तो वह जिस तरह राजनीति के शाह बन गए उसी तरह वह मोदी के बाद देश के दूसरे बड़े नायक भी बन जाएंगे। वैसे अब तक अमित शाह ने जिस तरह के फैसले लिए हैं उससे यही आभास होता है कि वह बड़े या सख्त फैसले लेने से कदापि नहीं हिचकेंगे। शाह के लिए बड़ी बात यही है कि पीएम मोदी का उन्हें पूरा साथ और विश्वास मिला हुआ है। साफ है राष्ट्रवाद का जो बिगुल 2014 में बजा था अब वह उद्घोष के बाद धरातल पर पल्लवित हो रहा है। वे कुकर्मुत्ते विलुप्त हो चुके हैं जिन्होंने जनता की आकांक्षाओं को अपनी राजनीति से पंगु बना दिया था। देश में चली बदलाव की बयार एक भारत श्रेष्ठ भारत नए भारत को एक कड़ी में पिरो रही है जहां गद्दारों जातिवादी वोट के रहनुमाओं और पाकिस्तान को भाई बताने वालों की अहमियत खत्म हो चुकी है। देश की जनता अपने वोट के बदले मोदी सरकार से एक ही रिटर्न चाहती है, विकास, विश्वास और पाकिस्तान का सत्तानाश। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।